पैदा हो ही नहीं सकता, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह ना हुआ ना होगा। वो एक चोर था अब्दुल कबीर खान, वो जिस तरह का सियासतदान है आपका, उसी तरह का साइंसदान है, उसी तरह का माशाल्लाह दानिशवार है। फिर दो नंबर में एक नंबर लोग, अब पूरी कौम को टीका लगाया ही होगा। वो एक चोर था अब्दुल कबीर खान, वो जिस तरह का जिसने इंडिया को एटम बम बना करके दिया डॉक्टर अब्दुल सलाम, उसने उसको सर पे बिठाया, नाम निहाद एटमी रियासत, नाम निहाद रियासत सेक्युलर जमहूरिया, मुसलमान होने के बावजूद उन्होंने उसको सदर तक बनाया, उसकी ताजीम उसकी तकरीम में कोई कमी नहीं रखी गई, और हमने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को नजरिए जरूरत के सबब। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे बोलना चाह रहा वो क्या है, इमरान खान साहब उनके जनाजे में नहीं आए, फैसल मास्क और इमरान खान साहब के ऑफिस और घर के दरमियान जो डिस्टेंस है, दैट इज नॉट मोर देन 5 to 10 minutes। ये टोटल डिस्टेंस मैं आपको बाय रोड अगर वो आते हैं तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, वो नहीं आए वहां पर। और आए क्यों नहीं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैडम पिरनी ने उनको कहा है कि भाई, मैंने आपको यूएनजीए के इजलास के हवाले से भी बताया था कि उसको कहा गया कि भाई आपने सी के ऊपर जो है आपने सफर नहीं करना, वो नहीं गए। उसके बाद उनको कहा गया कि आपने किसी के जनाजे पे नहीं जाना, तो वो डॉक्टर कदीर खान के जनाजे पे नहीं गए। लेकिन चले, उनको तो पिरनी ने मना कर दिया, वो तो नहीं गए, लेकिन जो बाकी इतनी बड़ी फौज है हमारी, जो फेडरल की कैबिनेट है, दैट इज मोर देन 52%, ये एडवाइजर्स के अलावा की मैं बात आपको बता रहा हूँ, मिनिस्टर्स की बात कर रहा हूँ, वो अलग हैं, वो 60-70 लोग हैं, उनमें से एक शेख रशीद साहब तशरीफ लाए थे और गालिबन फवाद चौधरी, मुझे तो नजर नहीं आया, लेकिन वो खुद कह रहे हैं कि मैं गया था, तो अब हो सकता है वो, मैं उसको चैलेंज नहीं कर रहा इस चीज के ऊपर, मे बी के सामने ना हो, किसी पीछे वाली उसमें खड़े हों, इस वजह से नजर ना आए हों। लेकिन इसके अलावा क्या कोई भी बंदा नहीं था? आरिफ अलवी साहब ने ट्वीट किया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने ट्वीट किया, उसके बाद ना कोई जनाजे पे, ना कोई खबर पे, ना यार किस किस्म के आपके हीरो हैं ये? अगर आपके वो हीरो हैं तो फिर आपको आना चाहिए। अब मैं यहां पे फिर जब हिंदुस्तान की एग्जांपल दूंगा तो वो कहेंगे यार ये फिर जो है हिंदुस्तान की भाषा बोल रहे हैं और हिंदुस्तान की जो है जिसे कहते हैं कि ये एजेंट है। तो मजबूर होता हूं मैं ऐसी चीजों पर, और यकीनन जो उनकी ऐसी चीजें हैं तो मैं उसको बिल्कुल दिखाऊंगा। हमें सीखना चाहिए, वो एक ये पिक्चर है, ये भी न्यूक्लियर साइंटिस्ट है भाई, हिंदुस्तान के डॉक्टर अबुल कलाम साहब हैं। कौन करे? मोदी जी करें और उनको सल्यूट करें, उनकी डेड बॉडी को। दूसरी पिक्चर मोदी जी एंड उनकी डेड बॉडी, ये वाली चीज हम में क्यों नहीं है, ये वाली रिस्पेक्ट हम में क्यों नहीं है अपने हीरोज के लिए? ये चीज मुझे जो है वो इस बात पे मजबूर करती है कि मैं बिल्कुल उनकी जो अच्छी चीजें होंगी वो इसराइल की हो या वो हिंदुस्तान की हो या दुनिया के और मुल्कों जिसको हम नापसंद करते हो या हम उनको दुश्मन कहते हो या कुछ भी हम कहते हो, वो एक अलग बात है, लेकिन वो अगर अच्छी चीजें कर रही हैं तो बिल्कुल हमें उनसे सीखना चाहिए और हमें दिखानी भी चाहिए कि भाई ये अपने हीरोज को किस तरीके से रुखसत कर रहे हैं, जिस तरीके से वो सी ऑफ कर रहे हैं उनको, तो ये हमने क्यों नहीं किया? आप नहीं आए, आपने कुछ भी नहीं किया, ऐलान हुआ जी आपका जो फ्लैग है वो डाउन रहेगा फॉर 3 days, यानी कल, आज और कल, ठीक है जी, हो गया। लेकिन जो चीज है, अच्छा 20 साल वो कैद में रहे, आपने उनको ना किसी अदालत में आपने कहा भाई, उन्होंने बल्कि अदालत में केस किया कि भाई आप मुझे पांसी पे चढ़ा दो या कुछ भी कर दो, लेकिन मुझे छोड़ दो भाई, मुझे आजाद कर दो। वो अपने घर E7 से नहीं निकल सकते थे, किसी को इसका एहसास नहीं हुआ। मैंने कहा कि कंट्रोवर्सीज बहुत सारी हैं, उसके ऊपर एक अलग से बात हो सकती है कि उन्होंने जब अपनी एक एक्सेप्ट किया था कि यार जनरल मुशर्रफ की हुकूमत में, और कहा था कि हाँ यार ये मैंने की, और उनसे एक स्टेटमेंट, वीडियो स्टेटमेंट लिया गया, ये सारी चीजें हो गई। इसके साथ साथ पाकिस्तान में जितने भी ऐसी शख्सियात होती हैं, मैं स्टार्ट करूंगा उनको, जिन शख्सियात को गद्दार, मुल्क दुश्मन, सिक्योरिटी रिस्क करार दिया जाता है,
मरने के बाद उनको हीरोज बताया जाता है, जिनमें से फातिमा जना है, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब हैं, इसके साथ साथ खान अब्दुल खफर खान बाबा द ग्रेट वो हैं, नवाब अकबर खान बुकटी है, खान अब्दुल वली खान है, रसूल बख्श बलीचो है, जी एम सैयद है, खैर बख्श मरी साहब हैं, और बीबी शहीद बेनजीर भुट्टो शहीद की मैं बात कर रहा हूँ, और एंड अभी जो गुज़िश्ता दिन हुआ है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब हैं के पहले सिक्योरिटी रिस्क गद्दार ये वो सारा कुछ हुआ, एंड एट द एंड वो एज ए हीरो हैं और हम कहते हैं कि यार हम उनको फॉलो करते हैं। तो ये हमारी एक अफसोसनाक किस्म की हमारी बहुत बड़ी हिस्ट्री तो नहीं है, लेकिन जो 75 ईयर्स में हमने देखा कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना से लेके उनकी गाड़ी खराब हुई, कभी कहते पेट्रोल नहीं था, उनसे लेके लेकर तरी खान साहब के मर्डर तक, और उनसे होता हुआ बलूचिस्तान में बहुत सारे ऑपरेशंस और बहुत सारे उनके बड़े बड़े लोगों को शहीद करने से, हमारे पश्तून बेल्ट के बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह का रवैया होने तक, मतलब बहुत सारे सिंध में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, पंजाब में भी होंगे, मैं ये नहीं कहता कि वहां पर कुछ ऐसा नहीं हुआ होगा, बट द थिंग इज कि हम अपने हीरोज को जलालत के साथ रुखसत करते हैं, वो हमारे क्रिकेट के हीरोज हों, वो हमारे किसी और स्पोर्ट्स के हीरो हों, वो हमारे किसी भी फील्ड के हीरो हों, और यहाँ पे डॉक्टर कदीर खान साहब की तो बात हो रही है, लेकिन मैं जो हमारे साइंसदान थे, जो जिसको कहा जाता है कि यार वो तो मुसलमान ही नहीं थे, वो अहमदी हैं या अहमदी थे, उसको हम किस तरीके से जो है हम क्यों ट्रिब्यूट पेश करें। तो जब हम इस तरीके से रवैये रखते हैं कि हम रिलीजन के साथ तोलते हैं एक बंदे के कारनामे कि यार वो साइंटिस्ट है, उसके रिलीजन से हमें क्या लेना देना। बहुत सारे दुनिया में, मतलब जो हमारे ज्यूस कम्युनिटी से रिलेटेड लोग हैं, रिसर्च में शायद वो सबसे आगे हैं, और बहुत सारी चीजें, मतलब फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ह्यूमिनिटी, बहुत सारी वैक्सीन्स हैं, बहुत सारी मेडिसन्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो लोग बनाते हैं, और हम एज ए मुस्लिम उसको इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पे हमारी ये चीज़ कहा मतलब होती है कि हम ये नहीं कहते कि भाई ये तो फ्ला जो है इसराइल के फ्ला बंदे ने, साइंटिस्ट ने ये चीज़ बनाई है, या अमेरिका के फ्ला साइंटिस्ट थे जिसका रिलीजन जो है वो ज्यूइज्म को फॉलो करता था, तो हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। वहां पे फिर हम ये चीज नहीं देखते, लेकिन मेरे मुल्क के अंदर अगर इस तरीके से कोई है तो मैं उसको रिलीजन के साथ तोलता हूं, अफसोस के साथ, अफसोस के साथ कि हिंदुस्तान में अबुल। तो दोस्तों आपने देखा इस वीडियो में पाकिस्तान के ये बहुत ही मतलब एक अच्छे एंकर हैं फ़कर यूसुफ जई, और काफ़ी मतलब अब आप समझ सकते हो ये इतना अच्छा बोल रहे हैं तो ये बातें कर रहे हैं आप समझ सकते हो। दोस्तों पाकिस्तान के जो AQ कदीर हैं, अब्दुल कदीर खान, जिनकी डेथ हुई है, ये 85 ईयर के थे, 1936 में इनका भारत में भोपाल में जन्म हुआ था, उसके बाद ये 1952 में यहाँ से मतलब माइग्रेट करके चले गए थे और कराची गए, कराची में डेफिनेटली इन्होंने वहाँ से फिर बाहर जाके पढ़ाई की, आपने सब सुना। तो दोस्तों आप समझ सकते हो जो कि मतलब अब्दुल कदीर खान है, इनका बेसिकली पाकिस्तान को न्यूक्लियर बम बनाने में सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल था, और पाकिस्तान इनका एक स्टेटमेंट है आप जाकर देख सकते हो, उन्होंने अब्दुल कलाम आज़ाद जो अपने भारत के मिसाइल मैन है उनकी इंसल्ट की है। तो आप समझ सकते हो एक साइंटिस्ट एक वैज्ञानिक दूसरे वैज्ञानिक को नीचे दिखाएगा, इंसल्ट करेगा, तो उसका मतलब आप माइंडसेट समझ सकते हो, फिर वो एक नंबर का बेवकूफ़ है, चोर माइंडसेट का है, ठीक है, चोरी करने के लिए भी अकल चाहिए, इन्होंने अकल इनके पास थी तो इन्होंने जिस तरीके से अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाया उसको कॉपी किया आपको पता है, और दूसरे देशों में सेल भी किया जैसे कि नॉर्थ कोरिया, उसकी वजह से इनको काफ़ी प्रॉब्लम भी हुई, 20 साल हाउस अरेस्ट रहे परवेज़ मुशर्रफ के, इन्होंने घुटने पकड़े, परवेज़ मुशर्रफ ने मतलब इंटरव्यू में साफ तौर पर बोला है, आप सुन सकते हो, हसन निसार ने क्लियरली बोल दिया कि ये जो आपका साइंसदान है मतलब वैज्ञानिक है वो चोर है, आपने वीडियो की स्टार्टिंग में क्लिप में देखा। अब दोस्तों आपने देखा कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, या पाकिस्तान के जो आर्मी के ऑफिशियल हैं, कोई भी इनके मतलब जो जनाजे में या आखिरी जो क्रियाएं होती हैं उसमें नहीं गए, और मतलब इस्लामाबाद में जा सकते थे वो लेकिन नहीं गए, तो इसके पीछे की वजह क्या है कि वो नहीं जा मतलब चाहते कि ये खबर इंटरनेशनली इतनी ज़्यादा वो हो कि एक चोर साइंटिस्ट के उसमें जाएं, और मतलब हो सकता है कि दबाव हो, प्रेशर हो, भले आज पाकिस्तान न्यूक्लियर बम तो बना लिया है लेकिन कैसे बनाया उसके पीछे की सच्चाई भी है दोस्तों, लेकिन बनाया तो है ये भी है, और इस साइंटिस्ट ने बनाया है, इस हिसाब से तो पाकिस्तान जो गुरूर है पाकिस्तान के अंदर कि हम न्यूक्लियर एटमी मुल्क हैं, ये हैं वो हैं, तो एटलीस्ट
जाना तो चाहिए था ना, जाना तो चाहिए था, लेकिन आप समझ सकते हो ये लोग कैसे अपने हीरोज़ की रिस्पेक्ट करते हैं। भले वो हीरो चोर है लेकिन रिस्पेक्ट तो करना चाहिए। अब इस बारे में आपके क्या ख्यालात हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और रही बात अब्दुल कदीर खान की, तो इनका माइंडसेट अगर आपको चेक करना है तो आप यूट्यूब पर सर्च करें अब्दुल कदीर खान ऑन APJ अब्दुल कलाम आज़ाद, तो इनका स्टेटमेंट आएगा कि वो एक मामूली सा वैज्ञानिक है। अब्दुल कलाम आज़ाद जो भारत के आपको पता है साइंटिस्ट थे और मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, राष्ट्रपति भी रहे, उनके बारे में ऐसे इनके ख्याल आते, तो इससे इनकी छोटी सोच का पता चलता है। मैं कह रहा हूँ कोई भी देश का वैज्ञानिक हो, छोटी सी भी उसने खोज की हो, उसको आप ऐसा मतलब छोटा मोटा साइंसदान नहीं कह सकते। आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये बहुत ही मतलब इनके गलत थॉट थे। अब मरे हुए इंसान की बेइज्जती करना तो बड़ा बेकार है, लेकिन मैंने चोर बोल रहा हूं तो चोर मैं हसन निसार का रेफरेंस देकर बोल रहा हूं, मैं खुद नहीं बोल रहा हूं, मेरी कोई हैसियत नहीं है भाई इनके सामने, ये आप समझ सकते हो, आपकी भी हैसियत नहीं है। इन्होंने जिस तरीके से एक तो चोरी, ऊपर से स्मार्टनेस, चोरी भी किसकी, कि न्यूक्लियर बम के फॉर्मूले की, न्यूक्लियर बम कैसे बनाया जाए, कैसे सेटअप बनाया जाए उसकी, तो वो भी एक बहुत बड़ा मतलब एक बड़ा काम ही है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।